हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चमचम सुनाना में। आज का टॉपिक है फूड प्लेटिंग। तो फूड प्लेटिंग किस तरीके से करते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड प्लेटिंग, आपको कोई भी प्लेटिंग करनी है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल कोई भी एक डिश रखते हैं, स्वीट डिश रखते हैं, तो आपको जो है प्लेट में साइड पे रख के और यहाँ से जो है एक कोई भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, एक पेस्ट्रीज आप जो बना रहे हैं और आपको जो है वो गेस्ट के सामने ले जानी है, तो पेस्ट्रीज आपने बनाई, राउंड प्लेट है, आपको जो है इस साइड रखने के बाद और यहाँ से जो है साइड पे से, जैसे आपने इधर रखी और जैसे ये गोल है, यहाँ पे रखी आपने पेस्ट्रीज, उसके बाद यहाँ पर चॉकलेट या कोई भी आपने जो है व्हिप क्रीम, यहाँ से जो है एक गार्निशिंग बनानी है, जैसे डिप करके एक डॉट आपने यहाँ टपकाई, एक डॉट यहाँ, तो उसको फिर चम्मच से ऐसे गुलाई सी दे देनी है। तो इस तरीके से आप प्लेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी डिश बनाई है, आपने तीन तरह की आपने कोई डिश बनाई है, तो आपको ये देखना है कि जो भी आपने जो रेसिपी बनाई है, कुछ भी बनाया, आपने कोई डिश बनाई है, तो वो उसका जो कलर अलग अलग होना चाहिए, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, आप ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप प्लेटिंग कर रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज आपको करनी है प्लेट में। जैसे ये गोल प्लेट ली, जैसे एंटी क्लॉक होता है 12, 6 एंड 9 एंड 3, तो इस तरीके से आपको जो है प्लेटिंग करनी है। और अगर आपके पास तीन डिश है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे इधर 9 पर आपने कोई डिश रख दी, 12 पे रख दी एंड आपने जो है इधर 3 पे रख दिए, तो उसके अलावा ये बचा 6, इस पे कोई चीज़ नहीं है, तो आप इस पे कोई गार्निशिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़, या फिर आपने स्पून रखा, स्पून के साथ में आपने जो है आपने नैपकिन में फोल्ड करके स्पून रख दिया और बीच में आपने कोई भी डेकोरेशन कर दी किसी भी चीज़ से, तो आप इस तरीके से प्लेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर प्लेटिंग करनी है या फिर आपका एक फूड ट्रायल है, तो आप फूड ट्रायल में बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो कलर वाइज बनाइए। जैसे आपने रेड बना दी, जैसे आपने रोगन जोश बना दी, वो रेड कलर का हो गया, पालक पनीर वो ग्रीन कलर का हो गया, उसके अलावा आपने येलो दाल बना दी, जैसे जो मूंगी की दाल होती है आपने वो बना दी, वो येलो कलर, क्योंकि बीच में राइस हो गए वाइट कलर के, तो इस तरीके से आपको कलरिंग देनी है। उसके ऊपर गार्निशिंग भी जो है अलग अलग तरीके से करनी है, जैसे येलो दाल पे आपने ग्रीन कलर का जो है हरा धनिया आपने जो है ऊपर से गार्निशिंग कर दी हरा धनिया से, और आपने पालक पनीर में जो है क्रीम से कर दी गार्निशिंग। उसके अलावा आपने रोगन जोश है, रोगन जोश में जो है आपने रोगन डाला और उसमें ग्रीन चिल्ली आपने ऐड कर दी स्लाइस करके, और इस तरीके से जो है आप जो है गार्निशिंग कर सकते हैं। राइस है, राइस के ऊपर जो है आप हरा धनिया और हरी मिर्च की स्लाइस करके आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्लेटिंग कर सकते हैं, गार्निशिंग कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल की और अलग अलग तरीके की। और प्लेटिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई लिक्विड वाली, जैसे एक रोगन जोश है, तो आपको वो बाउल में रखना है, ये नहीं आपने प्लेट में ही आपने डाल दिया, प्लेट में आपने सिर्फ राइस डालने, अगर आपको राइस डालने भी, ये नहीं आपने सीधा चम्मच से राइस लिया यूँ डाल दिया, नहीं, उसका भी एक तरीका है, आपको एक बाउल में राइस डालना है, उसको अच्छे से उसको जो है फ्लैट कर देना है, फ्लैट करने के बाद आपको जो है प्लेट पे सीधा, जैसे ये प्लेट है, उसको प्लेट को यूं करके और यूं ऐसे आपने कर दिया, तो आपकी जो राइस है वो एकदम कटोरी की शेप में बन जाएंगे प्लेट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको जो है सजानी है प्लेट, तो इस तरीके से आप प्लेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।